हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज हम बात करेंगे एक और MBBS कॉलेजेस की। लास्ट वीडियोस में मैंने बहुत सारे MBBS कॉलेजेस कवर करें, एक्सप्लोर करें, आप जाके मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, जो बरेली में है ये कैंपस, और हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ बरेली में ही है। बहुत अच्छी लोकेशन पे कैंपस है और 42 एकर्स में बना हुआ ये कैंपस है। बहुत अच्छा ग्रीनिश लैविश कैंपस है। इंटरनली कैंपस में एकेडमिक ब्लॉक, ओपीडी ब्लॉक, सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस एंड हॉस्पिटल, जो हर एक कैंपस में होता है वो है। और हॉस्टल, ये हम बात करते हैं हॉस्पिटल की बात आ गई तो स्टार्टिंग हॉस्पिटल से ही करते हैं। हॉस्पिटल इसका जो था पहले 720 बेडेड हॉस्पिटल था, जो अब 1160 अराउंड बेडेड हॉस्पिटल अब उनका बन गया है। तो चलिए बात करते हैं इसकी, कब से स्टार्ट हुआ है कॉलेज और क्या ओपीडी है और क्या कट ऑफ है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज बरेली, एक पॉपुलर नाम है इसका RMCH, जो 2006 में स्टैब्लिश हुआ है। प्राइवेट कैंपस है ये, और ये MBBS और PG, डेंटल और भी डिप्लोमा कोर्सेज सब कराता है। MBBS के इनके पास पहले 150 सीट्स थी, अब इनके पास 250 250 सीट्स हैं अब इनके पास। और पीजी भी ये रन करता है, एमएस एमडी दोनों। तो अभी अब जो बच्चे MBBS के लिए कैंपस देख रहे हैं, अभी हम MBBS की बात कर रहे हैं, तो हम MBBS को ही कंटिन्यू करेंगे। अदर वीडियोस में हम पीजी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया 250 सीट्स हैं इनके पास MBBS की, और अच्छा कैंपस है बहुत। अगर आप यूपी में MBBS करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। बहुत बच्चों की चॉइस रहती है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। इसका जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसका पर ईयर क्या चार्जेस रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी पर ईयर फीस है 13 लाख रुपये, ट्यूशन फी पर ईयर जाती है। और हॉस्टल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यूपी का हर सिनेरियो में सेम ही रहता है सारे कॉलेजेस का। 150 लाख रुपीस नॉन एसी रहता है, और एसी 1.75 लाख रुपीस रहता है पर ईयर। और मिसलेनियस चार्जेस 85,000 और रिफंडेबल सिक्योरिटी 3 लाख रुपीस जाती है। टोटल जो आपका फर्स्ट ईयर में अमाउंट जाता है वो 18-19 लाख के अराउंड जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपको फीस पे करनी होती है और हॉस्टल पे करना होता है। और 4.5 साल का कोर्स होता है आपको पता है, तो लास्ट ईयर में जो आपको 4.5 में जो पे करना होता है वो मतलब हाफ आधा पे करना होता है फीस का। तो चलिए बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। कट ऑफ इसकी लास्ट ईयर की जो गई थी वो 380 प्लस गई थी। कट ऑफ इसकी हाई रहती है, 380-400 तक इसकी कट ऑफ रहती है, बिकॉज पुराना कैंपस है, अच्छा कैंपस है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की चॉइस रहती है और बच्चों की चॉइस रहती है कि हमें रोहिलखंड बरेली मिल जाए, तो उसकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, 380-400 प्लस इसकी कट ऑफ रहती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है काउंसलिंग में, अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी आपको गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन एरिया में, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी क्वेरी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प भी चाहिए होगी तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सअप आ रहे हैं, सब मुझसे पूछ रहे हैं कि हम इतना स्कोर है, हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इतना स्कोर हमें कौन सा कैंपस मिल सकता है। तो चलिए बात कर रहे थे हम इसकी, अब बात करते हैं इसके हॉस्पिटल की। मैंने आपको बताया 1160 प्लस बेडेड इसका हॉस्पिटल है, और पहले 150 सीट्स थी इनके पास, अब जो 250 सीट्स हो गई हैं, और भी जो कॉलेज है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। हॉस्टल्स भी और भी हॉस्टल्स बन रहे हैं अच्छे अच्छे। तो फर्स्ट राउंड में इसकी सारी सीटें फुल हो जाती हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टाइफंड की। मुझे आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करनी थी, शेयर करनी थी, स्टाइफंड। स्टाइफंड क्या होता है, स्टाइफंड कब मिलता है, किस सिनेरियो में मिलता है। तो स्टाइफंड जो है पीजी और MBBS दोनों में मिलता है। MBBS में आपको इंटर्नशिप जब आप कर रहे हो तो तब मिलता है, और डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। ये कोई पर्टिकुलर कॉलेज के लिए नहीं है, मतलब एक डिपेंड करता है कि कोई भी कॉलेज हो वो आपको इंटर्नशिप के टाइम पे आपको स्टाइफंड देता है। तो डिपेंड करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस। कोई कॉलेज 7,000 देता है, कोई कॉलेज 10,000 देता है, कोई 15,000 देता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से MBBS कर रहे हो। पर हाँ, स्टाइफंड मिलता है MBBS में, इंटर्नशिप के टाइम मिलता है, और पीजी में भी स्टाइफंड मिलता है। तो अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच।
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कॉलेज एडमिशन को. इन फ्यूचर में हम आपको जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा या रिजल्ट्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपको डे टू डे अपडेट करती रहूंगी शॉर्ट्स में भी और वीडियोज में भी. तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.